अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जसर इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिविल वीलॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बनने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपने पहले ना कोई सिविल किताब में पढ़ी है और ना ही ऐसे स्टडी की है। तो दोस्तों, आज का वीलॉग पहले आपको वीलॉग दिखाते हैं, साइट दिखाते हैं, उसका विज़िट कराते हैं। विज़िट कराने के बाद जो चीज़ है, जो सवाल है, वो आपको बताऊँगा। आप कमेंट्स में भी उसका जवाब पूछ सकते हो, आपको जवाब भी बताऊंगा। अगर समझ नहीं आया तो उसको आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, उसको मैं वेरीफाई करूंगा। और इंशाल्लाह आपको पीछे वाली वीडियो में कोई बात ऐसी समझ नहीं आई हो और तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, इस वीडियो में आप मुझे बता सकते हैं। आइए आज का मज़ेदार व्लॉग करते हैं शुरू। ये देखें, मैं अभी साइड पे पहुंच गया हूं। तो साइड पे आपको जो है ना, ये देखें मैसन नज़र आ रहा है और उसका हेल्पर नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली कर कह रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। ये असल में ये देखें रिपेयरिंग नज़र आ रही है, हनी कॉम्बिंग जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हनी कॉम्बिंग बोलते हैं और जो है ना इसको आम जुबान में रिपेयरिंग भी बोलते हैं। रिपेयरिंग में ये देखें, पहले उसने करंडी से पानी लगाया, पानी लगा के इसके ऊपर अपना वाइट सीमेंट का छट्टा मारा है, अपना दूसरा काले सीमेंट का छट्टा मारा है। मतलब देखिए, ये कारीगरी की कार है, ये अपना सीमेंट छान के इस्तेमाल करनी चाहिए, छान के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, मिक्स करके इस्तेमाल करें। ये मैं ऊपर अभी छत के ऊपर आ गया हूँ तो आपको भीम का विज़िट कराते हैं। ये देखिए भीम, मुझे तो लेवल में नज़र आ रहा है, क्या आपको भी लेवल में नज़र आ रहा है? इसका लेवल मैंने खुद चेक किया था, लेकिन फिर भी इसमें मसला रह गया होगा। अगर इसमें मसला है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएंगे, ताकि आगे मैं इसके लेवल का ध्यान रखूँ, ख्याल रखूँ। ये देखें भीम की रिपेयरिंग इधर बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी बहुत है, मामूली है, फिनिशिंग भी सही आई है। इसके बाद ये देखें, ये रिपेयरिंग आ गई, ये रिपेयरिंग काफ़ी सारी आई है। इधर काफ़ी कम रिपेयरिंग है, लेकिन ये देखें नीचे रिपेयरिंग नज़र आ रही है। ये भीम में लाजमी आती है, अगर वाइब्रेटर सही लगा हुआ हो तो भीम में नहीं आती। अगर वाइब्रेटर की कमी कुताई हो, वाइब्रेटर तो हमने टाइट करके लगाया था, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत ये इट्स पार्ट ऑफ वर्क ये आ जाती है। अगर ये आ जाए ना, तो पहले पहले आपको तरीका दिखाया है पानी का, पानी मार के, पानी वाश करके, उसके बाद जो है ना खुश्क सीमेंट लगाएं, फिर मसाला तैयार करें, रेती को छानबीन छाटी करें, उसकी छानी से उसको साफ़ करें, फिर इस्तेमाल करें। ये देखें, ये भी भरा था, अभी इसको पानी लगाया है, पानी भी लगा हुआ है, खूब तराई करनी चाहिए। एक तो अगली सुबह जो है ना, इसको कम से कम मैं तो कहता हूँ 8 दिन, अगर आपको इसके बारे में पता है कि कितने दिन इसको तराई करनी है तो कमेंट से मुझे लाजमी बताएं। ये देखें, ये अभी भीम नहीं खुले, पीछे वाले उसने खोले हैं, तो अभी आपको पीछे वाले पे लेके चलता हूँ, पीछे विज़िट कराता हूँ। ये देखें, पहले छत आपको दिखा दूँ। छत हमने जब पीछे L/2 भरी थी, अभी ये देखें आगे लगाई हुई है, आगे लगा रहा है, ये देखें आगे लगा रहा है, ये छत आगे लगा रहा है, आगे आगे की चाल तैयार कर रहा है। छत लगाने में पहले आपको दिखाना, ये देखें गार्डर डाले हुए, गार्डर डाल के ये पत्ते ऊपर डाले, पत्ते डाल के फिर ऊपर प्लाई डालिए, प्लाई को लेवल करेंगे, लेवल करके बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो लेवल। इसमें स्लोप है, छत में 300 का तकरीबन स्लोप है। ये देखिए, मिस अपना कारपेंटर बैठे हुए, इन्होंने खुलाई की है, रिपेयरिंग इस पर काफ़ी सारी है। ये देखें रिपेयरिंग, जितना भी ऑपरेटर चलाया है फिर भी रिपेयरिंग आई है। ये देखें काफ़ी रिपेयरिंग है, इसको बड़ी तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा, इस पर हनी कॉम्बिंग काफ़ी ज़्यादा है। लेवल का बताएं, लेवल सही है। ये देखें रिपेयरिंग की तो हद कर दी है, रिपेयरिंग इतनी आई है, इतनी आई है कि ज़रूरत से भी ज़्यादा रिपेयरिंग आई है, बहुत रिपेयरिंग आई, बहुत। ये देखें सारी की सारी इन्वर्टर भीम की जो है ना, ये पीछे मेरे पीछे आपको जो है ना दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये C2 है पीछे, और मैं इसको जो है ना आपको दिखा रहा हूँ पीछे पीछे। देखें, ये देखिए C2 है, अपना C2 बोल रहा हूँ, इन्वर्टेड भीम है। मैं नीचे उतर आया हूँ और आपको जो है ना नीचे का विजिट करा रहा हूँ, नीचे के कैसे छत लगा रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपको जो अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये लोग छत लगा रहे हैं। गर्मी बहुत है तो मैंने रुमाल लपेटा हुआ है, नहीं तो काम हो जाएगा। गर्मियों में जो है ना साइड पर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखें छत की जो है ना, नीचे से मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे से जो है ना किस तरीके से इन्होंने सेटिंग की हुई है। ये देखें क्लासी लगे हुए, फोल्डिंग कर रहे हैं, बाकी सेटअप अच्छा हुआ पड़ा है, बाकी गुड है, बाकी ऑल इज़ गुड। ये देखें पहले वाले की है,
पहले वाले का तो आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में, आपको जो है ना क्लियर किया था कि किस तरीके से मोटर लगती है और कैसे इस तरह लगती है। फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये एक एक मिनट के फासले पर लगती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।